नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एमरवेट 400 कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इसमें बात करेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है, इसका प्राइस क्या है, ये किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोज क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एमरवेट जो 400 कैप्सूल है, इसमें विटामिन ई, व्हीट जर्म ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया गया है और जी सॉफ्ट जेल कैप्सूल होते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो विटामिन ई है नेचुरल, वो 400 इंटरनेशनल यूनिट पाया गया है। व्हीट जर्म ऑयल है जो वो 100 mg और ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो 150 mg पाया गया है। इसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी पाई गई हैं, जैसे कि एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और कोलेस्ट्रॉल। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 95 रुपीस और जी टॉर्विस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी पैकिंग की बात करें तो ये अंदर से वन स्ट्रिप में 10 कैप्सूल पाए जाते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं और जी सॉफ्ट जेल कैप्सूल होते हैं। चलिए अब इसके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। विटामिन ई 400 जो कैप्सूल होता है, वो एक सप्लीमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है फर्पेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए जब हमारे शरीर में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस सप्लीमेंट को एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो हमें ज़्यादातर नेचुरली फूड से मिलता है, जैसे कि सूखे मेवे ड्राई फ्रूट से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि हरी सब्जियों से। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है, वो जो हमारे शरीर में टॉक्सिन पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे कि हमारी स्किन पूरी तरह से प्यूरीफाई हो जाती है। चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। जब आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी डिसीज़ के कारण, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको लीवर की, गॉल ब्लैडर की या फिर पैंक्रियास की कोई भी बीमारी है, तो उसमें विटामिन ई का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है, तो उन कंडीशन में विटामिन ई को आप ले सकते हो। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इम्यूनिटी क्या होती है, वो हमारे शरीर की एक तरह की ऊर्जा होती है जो हमें हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। हेयर फॉल कंट्रोल के लिए भी विटामिन ई को यूज़ करते हैं। ये हमारे नए बाल उगाने में हेल्प करता है। ये एक्ने की प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये हमारी स्किन को प्यूरीफाई कर देता है और गंदगी को बाहर निकाल देता है, जिससे कि एक्ने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ग्लोइंग स्किन और रिंकल फ्री स्किन के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेग्स क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जो बॉयज़ होते हैं वो विटामिन ई का यूज़ अपने वर्कआउट के बाद में करते हैं, क्योंकि जो विटामिन ई होता है वो वर्कआउट के बाद आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और आपके स्टेमिना को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। अब इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, इनको दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार रात को सोने से पहले लेना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए जब उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब किया हो। कभी भी विटामिन ई की लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म यूज़ करने के कारण इससे आपके हार्ट पर, दिमाग की नसों पर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रोक आने के चांसेस हो जाते हैं या फिर इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांसेस हो जाते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उल्टी आना, मतली आना, पेट में दर्द होना या कभी कभार दस्त होना या फिर कभी कभी धुंधला दिखाई देना।
विटामिन ई के कैप्सूल को अगर आप स्किन पर यूज कर रहे हैं या फिर हेयर के लिए यूज कर रहे हैं तो यूज करने से पहले आप एलर्जी टेस्ट जरूर करें। इसके एक कैप्सूल को लेकर किसी भी साफ सुथरी चीज से तोड़कर इसको इसके लिक्विड को अपने हाथ की ऊपरी सतह या फिर कान के पीछे लगाकर चेक करना है। कुछ टाइम के बाद आपने देखना है कि किसी भी तरह की कोई ईचिंग तो नहीं हो रही, खारिश तो नहीं हो रही या फिर रेडनेस नहीं हो रही। अगर ये दोनों लक्षण हो रहे हैं तो आपको इसको नहीं लेना है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट में हम इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किन कंडीशन में ले सकते हैं। प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, या फिर आपको किडनी की, लीवर की या फिर हार्ट की डिसीज है तो उनमें विटामिन ई को लेना सेफ माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी और मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।